इसरो चेयरमैन के सिवान ने भविष्य में अंतरिक्ष में सफल लैंडिंग कराने में कामयाब होने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इसरो अपना पूरा अनुभव, ज्ञान और तकनीकी कौशल लगा देगा और आने वाले समय में सफल लैंडिंग करके दिखाएगा। वे IIT दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, चंद्रयान 2 चांद पर लैंड कराने की भारत की कहानी का अंत नहीं है। मानव स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम एक सोलर मिशन पर हमारी योजनाएं ट्रैक पर हैं। आने वाले महीनों में कई एडवांस सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 6 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन तय समय से 69 सेकेंड पहले उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। IIT में सभी पढ़ना चाहते हैं, सिवन ने IIT छात्रों से कहा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि IIT भारत का ऐसा संस्थान है जिसमें सभी पढ़ना चाहते हैं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि आप सभी दिल्ली और IIT की श्रेष्ठ विरासत को आगे बढ़ाएंगे। IIT के छात्रों ने जिस किसी भी क्षेत्र में काम किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चंद्रयान 2 के पेलोड ने चांद पर ढूंढे कई तत्व। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग भले ही न हो पाई हो, लेकिन ऑर्बिटर ने चांद पर सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन ढूंढ निकाले हैं। इसरो ने 5 अक्टूबर को बताया था कि ऑर्बिटर में मौजूद 8 पेलोड ने आवेशित कणों और इसकी तीव्रता का पता लगाया है। चंद्रयान 2 के सभी पेलोड अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं।